हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्यू रिव्यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाउली के इस मून फिल्स क्रोसेंट के बारे में। और मार्केट में ये बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट मैंने पाया, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस पर एक रिव्यू डालूँ और आप सबको इसके बारे में बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर चैनल पर नए हैं और अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बाउली का मून फिल्स एक 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो वेनिला फ्लेवर का है। सो इसमें वेनिला क्रीम का यूज़ किया गया, तो वो हम चेक करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसा है खाने में। अब इसका जो नेट वेट है वो ओवरऑल है 45 ग्राम्स, और इसमें कुछ की इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर आप इसके कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देख सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ सिंथेटिक फूड कलर्स यूज़ किए गए हैं और आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ किए गए हैं। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। प्लस एलर्जिक एडवाइस भी आपको नीचे दी गई है कि यहाँ पर मिल्क पाउडर और वीट का यूज़ किया गया। तो इन केस अगर इन दोनों चीज़ों में से आपको एलर्जी है तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को कंज्यूम बिल्कुल ना करें, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, पॉलीमॉल्स में हैव लैक्सेटिक इफेक्ट। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तो आपका इससे पेट खराब हो सकता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा अमाउंट में इसे बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें। तो यस, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात इसके अमाउंट की करें तो ये 15 रुपीज़ का कॉस्ट करता है मार्केट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट क्योंकि मैं इसे डीमार्ट से लेकर आई थी, ये तो मुझे सिर्फ 12 रुपीज़ का कॉस्ट हुआ था। ये ऑनलाइन भी मिलता है, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर पीछे लिखा गया है, साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि आप 4 महीनों तक, मतलब 4 महीने तक इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद से। सो यस, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई इस प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए अब जल्दी से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है और क्या आपको इसे ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो ये देखिए, हमने इसे बाहर निकाल लिया। एंड वाओ, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी फ्रेश लग रहा है प्रोडक्ट। काफ़ी स्मूथ है, स्पंजी है। और ये देखिए, मैं तोड़कर भी आपको इसे दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है और बहुत ही इजीली ये टूट भी गया। और अब जो वेनिला क्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि अंदर काफ़ी अच्छी अमाउंट में वेनिला क्रीम हमें दिया गया है। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ आल्सो काइंड ऑफ वेरी फ्रेश। तो चलिए अब इसकी जो टेस्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ओवरऑल अब तक मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया है, तो अब टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। सो गाइज, इसकी अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो ये मीठा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तीखा होगा या नमकीन होगा तो नहीं, ये बिल्कुल मीठा है। और क्योंकि इसमें वेनिला फ्लेवरिंग का यूज़ किया गया है तो इट इज़ उसी फ्लेवर का है ये ओवरऑल। और मुझे इसका टेस्ट डिसेंट लगा, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते, इसका डिसेंट टेस्ट है। क्वालिटी प्रोडक्ट की इज़ गुड। क्वांटिटी की भी बात करें हम तो क्वांटिटी भी इज़ ऑल्सो फाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना आपको मिल रहा है 15 रुपीज़ में। और अगर आप डी मार्ट से लेकर आए या फिर अगर आप ऑनलाइन इसे खरीदे तो ये आपको कम कॉस्ट करेगा। सो यस, ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।